बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। 2020 में जब कोरोना फुल जोर में था और पूरी दुनिया बंद थी, तो लोग इसी इंतजार में थे कि जल्द इसकी वैक्सीन आए और हम इस वायरस से आजाद हो जाएं। फिर तकरीबन एक साल बाद इसकी वैक्सीन आई और लोगों को लगना शुरू हो गई। जब लोगों को वैक्सीन की एक खुराक लगी तो लोगों ने सोचा कि अब हम आजाद हो चुके हैं, लेकिन फिर कुछ ही दिनों बाद दूसरी खुराक भी लाजम कर दी गई। लेकिन बात दूसरी खुराक तक नहीं रुकी। आप जानते ही हैं कि सऊदी अरब ने वैक्सीन की तीसरी खुराक भी 1 फरवरी से लाजम करार दे दी है। लेकिन अब जो हालात दिखाई दे रहे हैं, इससे ऐसा ही लग रहा है कि आने वाले दिनों में चौथी खुराक भी लगाई जाएगी। आपको बताते चलें कि फाइजर कंपनी ने ये जो नया वेरिएंट फैल रहा है, जिसका नाम ओमिक्रॉन है, इसके लिए एक नई वैक्सीन पर काम कर रही है जो कि मार्च में तैयार हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि अखबार 24 ने इसे शाया किया है। दोस्तों, अगर ये वैक्सीन तैयार हो रही है तो ये वैक्सीन लोगों को लगाने के लिए ही तैयार की जा रही है, और जब ये वैक्सीन भी तैयार हो जाएगी तो इसे भी पहले की तरह लाजम कर दिया जाएगा। आपको बताते चलें कि इससे पहले तकरीबन हर बंदे को वैक्सीन की दो खुराकें लग चुकी हैं और अब तीसरी वैक्सीन की तैयारी की जा रही है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको तीसरी खुराक लगा दी गई है। लेकिन अब जो हालात दिखाई दे रहे हैं, इनसे ऐसा ही लग रहा है कि आने वाले दिनों में वैक्सीन की चौथी डोज भी लगाई जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको इस वबा से महफूज फरमाए, आमीन।